सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फिल्म स्टार कंगना रनावत और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के विवाद की आग कन्नौज पहुंची, जहां पर करनी सेना के जिलाध्यक्ष अंकुर प्रताप सिंह की मौजूदगी में कई कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ जुलूस निकालकर पुतला फूंका। पूरा मामला कन्नौज जनपद के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पहले करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पहले नगर में नारेबाजी कर जुलूस निकाला, उसके बाद छिबरामऊ के सौरिक तिराहा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द कंगना रनावत को न्याय दे, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सभी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं करनी सेना का जिला अध्यक्ष ने सुशांत सिंह राजपूत केस में भी जल्द से जल्द न्याय मांगने की बातें कही। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। जुलूस निकाला था कहां पर? आज मैंने कंगना ने कंगना के समर्थन में जुलूस निकाला है महाराष्ट्र सरकार के विरोध में। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार कंगना के साथ बिना नोटिस दिए बिना बताए कार्यवाही कर रही है, इसके संबंध में हमने आज जुलूस निकाला। पुतला वगैरह कहां पर फूका गया, कहां से कहां आप लोग? आज छिबरामऊ में हमने पीपल वाले चौराहे से शुरू किया था जुलूस और ये सॉरी तिराहे पे आके संजय रावत का पुतला फूका है। जिस तरह से संजय रावत नारी के बारे में गलत अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इससे उग्र होकर ही हमने ये मतलब पुतला फूका है उनका। और भारतीय नारी का सम्मान करना महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे का नाम डुबा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी इसमें सही कार्रवाई करें, ताकि ये जो मतलब उद्धव ठाकरे, मैं तो कहूंगा कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे ही नहीं, उन्होंने जो काम किया है वो एकदम भड़ुओं वाला काम है। इस तरह का काम आगे से नारी के लिए ना करें। सरकार से क्या मांग है आप? सरकार से मेरी यही मांग है कि कंगना रनावत को न्याय मिले, उसके साथ ही साथ जो बॉलीवुड में ड्रग माफिया सक्रिय हैं उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो दिखाया जाता है गलत सलत बॉलीवुड में वो दिखाना बंद करें। साथ में सुशांत सिंह मर्डर केस की सही जांच हो और न्याय मिले, ये हमारी भारत सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से मांग है। इसमें भारत सरकार हमें समर्थन करें।